टिक टिक। सो गाइस फाइनली इंतजार खत्म हुआ, सीयूईटी यूजी 2022 जिसका बच्चों को इंतजार था सालों से। कभी एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, कभी एनटीए का स्कैम चल रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन अभी अभी रिजल्ट नहीं आया है। आपका जो रिजल्ट है वो टिल 9 सितंबर तक आ रहा होगा। आपको पहले जो गाइडलाइन दी गई थी रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट प्रोसेस 2022 एडमिशन की, आपको जो अपने डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करके रखने हैं। अभी काफी सारे बच्चों की क्वारी जा रही कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ ओपन, बीएचयू का एडमिशन कब ओपन होने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का एडमिशन कब ओपन होने वाला है। तो आपके जो पोर्टल है वो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के ऑलरेडी ओपन है, तो आप जो है उन यूनिवर्सिटियों पर जाके रजिस्टर कर सकते हो। जिस प्रकार से जामिया के अंदर आपने रजिस्टर किया था वैसे ही बहुत सारे कॉलेजों में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में या फिर प्राइवेट कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिविजुअल कुछ कुछ कोर्सेज जैसे कि बीए हो गया, बीबीए हो गया, ठीक है, मेनी मेनी कोर्सेज। हालांकि ऑलमोस्ट कॉलेजों में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं और जो रजिस्ट्रेशन है वो टिल रिजल्ट डिक्लेयर के एटलीस्ट 1 से 2 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर जो भी पोर्टल है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटियों का जो है ओपन हो जाएगा। काफी सारे बच्चों की ये क्वारी रहती है कि भैया हम जो रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, जैसे कि मैंने बहुत सारी कॉलेजेस सेलेक्ट की है जैसे डीयू, जामिया, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, डॉट 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 100+ कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार सीयूईटी के अंदर, तो उनका क्या सीन है। तो यार आपको जो एडमिशन है वो एक ही कॉलेज में लेना है। अब अगर आपको जानना है कि आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा एंड आपको जो वहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है कि हाउ टू फिल द चॉइसेस, तो उसके लिए जो आप मेरा जस्ट लाइक पेड काउंसलिंग प्लान या फिर पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर जो है आपको गारंटेड बेस्ट कॉलेज अलॉटमेंट दिया जाता है जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके लिए जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विथ इंजीनियरिंग वाला टीम जो है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी विद टाइम द 12 आवर्स। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका क्या सारा सीन है। सो यार आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि पहले आपको जो पता होना चाहिए कि आपके जो मार्क्स है वो किस रैंक तक जाएंगे। स्पेशली सबसे ज्यादा जो डिमांड है बच्चों की वो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे कॉलेज जाते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू, जेएनयू, गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड काफी सारे जो अच्छे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज हो गए। ओके, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की काफी डिमांड है वैसे, राइट। बहुत सारे कॉलेज है जो कि बीटेक नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो जो है दौसा सीएसएबी के थ्रू ही ले रहे हैं बीटेक, और जो है अदर कोर्सेज जस्ट लाइक बीएससी, बीबीए एंड बीए, बीएड जो भी है आप उसके थ्रू ले सकते हो एंट्रेंस के टेस्ट के थ्रू। काफ़ी सारे कॉलेज है जैसे हैं जो कि आपको बीटेक भी दे रहे हैं, जैसे सीयू हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, तो जो है कोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, उनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह की यार चॉइस फिलिंग जरा आप ठीक से जरूर फिल करिएगा एंड आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा देन जो है आप हमारी बेस्ट काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर जो है आपको जनरली गारंटेड अलॉटमेंट यानी कि आपको है अलॉटमेंट कर दिया जाता है द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेज, स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज एंड काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज अभी अवेलेबल हैं। और जो है अगर आपके सीयूईटी में काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है देन आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट सारे के सारे प्रिपेयर करके रखिए। आपका जो रिजल्ट है टिल आप मान के चलो कि इसी वीक के अंदर यानी कि 10 तारीख से पहले पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा या जो भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, और जो भी फेक नोटिसेस आते हैं उनसे आप सावधान रहे, बिकॉज अभी जो मैं बोल रहा था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। हालांकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे नोटिसेस पड़े हैं स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए कि भैया ये नोटिस के अंदर लिखा गया है कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया और एनटीए के डायरेक्टर के सिग्नेचर है, राइट। सो वो जो है जनरली फेक बना देते हैं, आजकल बहुत सारे एडिटर सॉफ्टवेयर आते हैं तो इनका ध्यान रखिए। और जो है किसी को भी रेंडमली आप फीस पे ना करें रिगार्डिंग द कि आपका डीयू में हो जाएगा 5 लाख रुपए दे दो, राइट। स्पेशली आजकल जो मैनेजमेंट कोटा का जो सिस्टम हो गया है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर ठगे जा रहे हैं, लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं कि एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एडमिशन का क्या फायदा जहाँ पे 5 लाख रुपए पढ़ने के लिए प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों में दे रहे हो और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट माइनस के अंदर जा रहा है, 5 लाख रुपए पर ईयर भी नहीं कमा पा रहे हो, 5 लाख रुपए एडमिशन के लिए दे रहे हैं देन फीस आफ्टर द जस्ट लाइक एडमिशन के बाद में दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, राइट। सो इसका ध्यान रखो सभी लोग, और आपके जो रिजल्ट है वो टिल 10 तारीख तक रिलीज कर दिया जाएगा।
और वो जो भी स्टूडेंट जेई मेन वगैरह में पार्टिसिपेट किए हैं वो जो है जोसा वगैरह की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। जेक दिल्ली की काउंसलिंग 5 सितंबर से, जेक चंडीगढ़ की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, रीप राजस्थान चल रहा है, एसीपीसी गुजरात है, पंजाब का आई की जीपीटीयू है, बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, जीएफटीआई कॉलेजेज हैं, उन सभी को टारगेट करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।